हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक फट चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर द मेंबर ऑफ क्रिप्टो नोट्स फैमिली। इसके अलावा बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे कंसोलिडेशन फेज में एंटर हो चुकी है, लेकिन किसी भी वक्त बिटकॉइन की जो पोजिशन है वो चेंज हो सकती है। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बैड न्यूज, एक फट जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के रिलेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे। इस फंड की वजह से बीटीसी और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में काफी नेगेटिव फ्लक्चुएशन ले सकती है। कुछ दिन पहले यूके ने binance.com के यूज करने पे पाबंदी लगाई, ये खबर तो आप सबको पता ही है। एफसीए का कहना है कि बाइनेंस यूनाइटेड किंगडम में एक रेगुलेट एक्सचेंज की हैसियत नहीं रखती है, जो कि एक तरह से दुरुस्त भी है। नॉट ओनली इंग्लैंड, जापान, सिंगापुर और केमैन आइलैंड, इन कंट्रीज का भी यही मानना है कि बाइनेंस एक रेगुलेट एक्सचेंज नहीं है, या फिर ये कह लें कि बाइनेंस बहुत सारे कंट्रीज में विदाउट अ लाइसेंस काम कर रही है। बहुत सारे फर्ड्स हैं आजकल बाइनेंस के रिलेटेड, जो कि मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो फर्ड ये भी है कि बाइनेंस का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। एक फर्ड ये भी है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बाइनेंस को सू करने जा रहे हैं क्योंकि बाइनेंस ने मैनिपुलेशन की है। एक प्रॉब्लम जो कि आपके साथ भी फेस आई होगी उसका भी मैं जिक्र करने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज का ये भी कहना है कि विदाउट लाइसेंस भी ये काम कर रही है, कोई भी लीगल एंटिटी नहीं रखती है binance.com। ठीक है, बाइनेंस द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड हैड अ रोबिनहुड ट्रायल ऑप्सी वोप्सी ड्यूरिंग द प्लंज इन बिटकॉइन वैल्यू ऑन मई 19। यूजर्स वर लॉक्ड आउट ऑफ द सिस्टम एंड कुडंट मेक अ ट्रेस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। पहले ये भी होता रहा है बहुत सारे एक्सचेंजेस में, नॉट ओनली बाइनेंस बल्कि रोबिनहुड में भी। जैसे ही मार्केट बुरी तरह क्रैश होती है, जो जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे बाइनेंस की एप्लीकेशन, आपके साथ भी ये हुआ होगा, आप उसमें कोई बाय या सेल ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजिशन ओपन की होती है, बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग पोजिशन ओपन की होती है। जब मार्केट उसके के एकदम से फ्लक्चुएट होती है तो क्या होता है कि आप अपने ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाता है, या फिर आपने जो स्टॉप लॉसेस पे एक्ट करना होता है कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ, यहाँ से मैं और ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप बाइनेंस जो है पिछले दिनों में इसने ये बहुत ऐसा काम किया है, वो ट्रेडिंग को होल्ड कर देती है और आप ना तो बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हुए हैं, जीरो हो चुके हैं इस बाइनेंस की गलती की वजह से। ठीक है, तो अब इनके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है कुछ ही दिनों में। एक तो फर्ड ये भी है, नो रोबन रोबिनहुड, इनके साथ रोबिनहुड ने भी ऐसे ही किया था। नो रोबिनहुड यूजर्स आर शोइंग रोबिनहुड फॉर मार्च 2020 आउटेजेस, बट बाइनेंस डजेंट हैव ए हेडक्वार्टर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सो इट सीम्स बाइनेंस यूजर्स आर हैविंग सम डिफिकल्टी फिगरिंग आउट हाउ टू सू। ये भी प्रॉब्लम है कि अब जहाँ पे इतनी बड़ी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर ही नहीं है, तो उसको सू कैसे किया जाए, है ना। और सबसे वर्ल्ड की बिगेस्ट वॉल्यूम एक्सचेंज है लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। पहले इसका हेडक्वार्टर माल्टा में था, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है, और इन्होंने खुद ही वहां से अपने हेडक्वार्टर जो ऑफिस है उसको हटा लिया, क्यों पता नहीं है। अब यह कंपनी सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। आई एम नॉट किडिंग, हेयर्स हाउ द WSJ फ्रेजेस इट, बट अनलाइक ए मोर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, बाइनेंस इज लार्जली अनरेगुलेटेड एंड हैज नो हेडक्वार्टर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट द ट्रेडर्स से द टू फिगर आउट होम टू पिटिशन। देयर आर अपेरेंटली टू ग्रुप्स ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू सू द कंपनी, वन इन फ्रांस वर्किंग विद 700 पीपल एंड वन इन इटली। दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बाइनेंस को फिलहाल सू करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि उनका माइट भी लॉस हुआ होगा। सिर्फ बाइनेंस की एक्सचेंज जो है और एप्लीकेशन हॉल्ट होने की वजह से 700 पीपल फ्रांस में काम कर रहे हैं और कुछ इटली में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिस सिचुएशन एक्सेलेट रिसेंटली विद यूनाइटेड किंगडम्स फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये मैं बता चुका हूँ, लीडिंग द पैक द वॉच डॉग इशूड ए वार्निंग टू बाइनेंस मार्केट लिमिटेड एंड द बाइनेंस ग्रुप, इंडिकेटिंग दैट दे कुड नॉट ऑपरेट इन द कंट्री। यूके ने इसी वजह से जो binance.com के यूज करने पे पाबंदी लगाई है, क्योंकि ये रेगुलेटर नहीं है। लेकिन बाइनेंस अच्छी एक्सचेंज है, आज नहीं तो कल ये अपने हेडक्वार्टर्स भी लेगी, लेकिन 4 साल हो चुके हैं ये अभी तक अपने हेडक्वार्टर्स नहीं बना पाई है। कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी एक्सचेंज है, बाइनेंस है, बिट्रेक्स है, KU कॉइन है,
पोलोनिक्स है, वजीरक्स है, इनके ऊपर अपने फंड्स ज्यादा ना रखें, सिर्फ वही फंड्स रखें जिनके आपने ट्रेड करने हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे ऐसे वैलेट्स हैं, आप उनके ऊपर ले जा सकते हैं। ऑफलाइन वैलेट्स में मैं बार बार कहता हूँ टीजर नैनो लेजर एस आज के वक्त में अच्छा है, और इसके अलावा नैनो लेजर एस भी अच्छा है, ट्रस्ट वैलेट ऑनलाइन में अच्छा है, बहुत सारे ऐसे एबीसी, बहुत सारे ऐसे अच्छे वैलेट्स हैं जो कि आप उनमें अपने फंड रख सकते हैं। डिस्पाइट द फर्म्स रीअश्योरेंस थ्रू मोर वॉच डॉग्स ज्वाइन द ट्रेंड, जापान वॉज अमंग द फर्स्ट, सिंगापुर फॉलोड एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई केमैन आइलैंड ज्वाइन द लिस्ट स्टेटिंग दैट बाइनेंस नॉट ऑथोराइज्ड टू ऑपरेट इन दिस आइलैंड इन द आइलैंड्स। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज में ये ऑलरेडी बैन हो भी चुकी है और उसके ऊपर जो रेगुलेटिंग प्रेशर है वो आ रहा है। ठीक है, जस्ट अ डे लेटर ऑन जुलाई 2, 2021 थाईलैंड SEC टुक इट ए फर्स्ट स्टेप फर्दर इंस्टेड ऑफ जस्ट इशूइंग अ वार्निंग। थाईलैंड ने तो वार्निंग भी इशू नहीं की, द रेगुलेटर फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्सचेंज फॉर ऑपरेटिंग ए डिजिटल एसेट बिजनेस विदाउट ए लाइसेंस, और केस भी ओपन हो चुका है थाईलैंड में कि बाइनेंस जो है वो विदाउट लाइसेंस काम क्यों कर रही थी। ठीक है, इस कंट्री में तो ये भी एक फर्ड है, ये रियल थ्रेड फर्ड है या क्या है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको सारा बता दूँ। फिलहाल आपको इस टाइम पे जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। बाइनेंस फाउंडेड इन चाइना, बैनिश इन जापान एंड लेटर सेल्फ एग्जाइल टू माल्टा, जो भी माल्टा में इसके हेडक्वार्टर थे ऐसा सुनने में आया था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। बाइनेंस टूडे इज ऑफिशियली डोमिसाइल्ड इन केमैन आइलैंड एंड अनऑफिशियली हेडक्वार्टर प्रिसाइजली नोवेयर। द प्लेटफॉर्म लिव्स ऑन द इंटरनेट एंड सो फार हैज सीम्स इल्यूड रेगुलेटर्स अटेम्प्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट एंड वेयर। ठीक है, ये देखने इसका ये जो फंड है वन बाय वन हिट हो रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज के रिलेटेड, और जो इसके सीईओ हैं वो इसके मतलब सफाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी मुझे फिलहाल कोई ऐसी ट्वीट देखने को नहीं मिली जिसमें ये वो साबित करें कि उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं या उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं की है। ठीक है, ये फंड है, अगर ये फंड बढ़ते रहे तो फिर हो सकता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आए, फियर भी है, जिसकी वजह से मार्केट जो वक्ती तौर पे ब्लीड हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्लीड होती है तो फिर कहाँ तक ब्लीड हो सकती है। ठीक है, तो अगर ब्लीड होती भी है तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वक्त से पहले अगर हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लें तो हमें नुकसान होने के बजाय प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो चार्ट है ये वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, लेकिन अब चूंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज में चल रही है तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है ट्रायंगल पैटर्न टाइप का है ये बन चुका है। ठीक है, सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है इस तरह करके, और ब्रेकआउट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या बनता है, यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल है ब्रेकआउट होता है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको $40,000 पे देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चूंकि फंड भी मार्केट में आ रहे हैं इस वक्त, ज़्यादातर चांसेस यही यही लग रहे हैं कि शायद मार्केट नीचे चले जाए, लेकिन मैनिपुलेशन कब हो जाए किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, अब देखें करंट सिचुएशन ये है कि बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे है 31,455 USDT, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फिलहाल 33,000-34,000 से ऊपर जाता है, दोबारा से नीचे आ जाते हैं, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। 35,500 पहला ऐसा रेसिस्टेंट पॉइंट है जो कि अच्छा सपोर्ट लेवल भी है, इससे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, अगर मार्केट को में आप क्रैश नहीं देखना चाहते हैं। चूंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है तो हम सिर्फ ये मार्केट को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को सेट भी कर सकते हैं ताकि हर क्रैश हमें प्रॉफिट देखे जाए। देखें 2-4 दिनों में अगर बिटकॉइन की प्राइस $35,500 से ऊपर चली जाती है तो ये एक काबिली तसल्ली बख्श पॉइंट है। ठीक है, सिचुएशन होगी लेकिन खतरे से खाली नहीं होगी अंटिल के ये 37,500 $37,500 से ऊपर चली जाए और $40,000 के दरमियान में ये कंसोलिडेट रहे, जैसे कि आजकल मार्केट साइडवेज में चल रही है। कंसोलिडेशन मतलब ना तो किसी भी कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सिर्फ टाइट रेंज में एक साइड की तरफ चल रही है। ठीक है, अब फ्यू डॉलर्स का या फ्यू हंड्रेड का BTC कर मैं एग्जाम्पल लूँ का डिफरेंस हो, इतना ना हो कि $3,000-4,000 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नहीं, आजकल $1,000 के बिटवीन में या 3100 से 3200 के दरमियान में मार्केट चल रही है, कंसोलिडेशन फेज इसको कहते हैं। अगर तो ये 37,500 35,500 से ऊपर जाए तो वेल एंड गुड, तसल्ली की बात है। ठीक है, 30,000 से दूर होना चाहिए ऊपर, सही,
अगर ये 37,500 से ऊपर चली जाती है फिर मार्केट बुलिश होगी, सेंटीमेंट होगी, या फिर ये फंड कोई भी मार्केट को ऐसा लगता है कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ज्यादातर चांसेस ये इनका मार्केट में ज्यादा बैड न्यूज आ रही है, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि 4 साल से जो बाइनेंस है वो रेगुलेट भी नहीं है, ऐसा लॉयर्स का भी कहना है और यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड का कहना है, और इसके अलावा विदाउट लाइसेंस भी काम कर, इसका हेडक्वार्टर भी नहीं है, तो आजकल में ही ये फंड क्यों आ रहे हैं? आपको ये भी बात सोचनी चाहिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आजकल में ये फंड क्यों, 4 साल से क्या रेगुलेटर अथॉरिटीज सो रही थी कि उन्हें आज याद आया कि बाइनेंस विदाउट लाइसेंस काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा $30,000 जो है वो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे अगर मार्केट जाती है ना तो $28,000 को भी शायद मार्केट सपोर्ट ना ले पाए, हो सकता है कि फिर ये 22,833 मीन के $23,000 तक डिप ले जाए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर जो हमने एग्जिस्टिंग आल्टकॉइन्स होल्ड किए हुए हैं उनका क्या किया जाए, ठीक है। तो क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम के ऊपर चाहे फ्री है चाहे प्रीमियम चैनल है, ये हमेशा मैं आजकल वो वाले सिग्नल शेयर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग भी हैं, ब्रेकआउट पॉइंट के करीब भी हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट भी दे सकते हैं, और वक्ती तौर पे अगर मार्केट क्रैश होगी और ये अगर नीचे भी चले जाते हैं तो स्टॉप लॉस तो जाहिर है फिर मार्केट का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनमें स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिया जाता है समझा कि मार्केट तेज से नीचे जाके फौरी रिकवर हो जाती है। जैसे BTC की एग्जाम्पल लगा लें, बिटकॉइन जब लास्ट टाइम $28,000 पे डिप हुआ था, वेरी फ्यू आवर्स के अंदर अंदर, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर अंदर वो $32,000 पे फेर रहा था ना, $4,000 ऊपर रिकवर हो गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे आल्टकॉइन्स भी हैं जो कि BTC के साथ ही बिहेव करते हैं, BTC की तरह ही बिहेव करते हैं, वो वक्ती तौर पे नीचे जाते हैं एकदम से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जो कि क्रिप्टो नोट्स चैनल के ऊपर आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं, फिलहाल आज के लिए मैं अगर सिचुएशन की को लेके बात करूं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आप टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो स्मॉल हैं, आपके पास थोड़े से USDT होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने इधर से इर्द गिर्द से सिग्नल उठाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन्स हैं। अगर आप किसी कॉइन के मतलब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास USDT थोड़े से होने चाहिए, मार्केट क्रैश होगी तो यही USDT आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, ये एक गोल्डन कॉइन होगा अगर मार्केट नीचे जाती है और आपके पास USDT होंगे, यही कॉइन्स आपको बहुत डिप में भी मिल जाएंगे, बल्कि अगर आप आज लॉस में है ना और अगर ये डिप आता है तो ये डिप आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जल्दी से डिप में बाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपके पास USDT है। हो सकता है कि जो मार्केट है वो यहीं से ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं है, आप खुद से भी मार्केट की स्टडी करें। मेरा काम है आजकल जो मार्केट में हो रहा है वो आपको बताना है, मार्केट में ये हो रहा है, ये चल रहा है, क्या हो सकता है, ये सिर्फ एक एजुकेशन बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पे अमल करना, इस एडवाइस पे अमल करना या ना करना वो आपकी जिम्मेदारी, आपके लॉस या प्रॉफिट की मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। इसके अलावा अगर टोटल मार्केट कैप की बात की जाए तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे है $1.2 trillion, जो कि कम हुआ है, ठीक है, इसको होना चाहिए $1.4 trillion के ऊपर। अब मार्केट कैप भी थोड़ा सा कम हो चुका है और इधर से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुकी है, 46.3%, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है आल्टकॉइंस के ऊपर, ठीक है। तो ये मार्केट में हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।